हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एसे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसे होता क्या है। एन एसे इज अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग डिजाइन टू इन्फॉर्म और पर्सुएड। एसे जो होता है वो रीडर को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, या उसको पर्सुएड करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, उसको किसी बात को मानने पर तैयार करने के लिए एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसका फोकस होता है टू इन्फॉर्म और टू पर्सुएड द रीडर। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे बट दे आर ऑफन डिफाइंड इन फोर कैटेगरी। एसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं वो चार ही हैं। फर्स्ट वन इज आर्गुमेंटेटिव एसे एंड देन एक्सपोजिटरी एसे, नरेटिव एसे एंड डिस्क्रिप्टिव एसे। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस। जी, टाइप्स ऑफ एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे जो कि सबसे पहली टाइप है एसे की, आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी एसे आर फोकस्ड ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग क्लियर पॉइंट्स। आर्गुमेंटेटिव एसे और एक्सपोजिटरी एसे जो हैं वो रीडर तक कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ क्लियर पॉइंट्स वो कन्वे करती हैं, वो पहुंचाती हैं। व्हाइल नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज आर अबाउट एक्सरसाइजिंग क्रिएटिविटी एंड राइटिंग इन एन इंटरेस्टिंग वे। जबकि नरेटिव एसे और डिस्क्रिप्टिव एसे का रिलेशन क्रिएटिव राइटिंग के साथ है। इसमें जो राइटर होता है वो खुद से कोई क्रिएशन करता है किसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए या किसी स्टोरी को नरेट करते हुए या किसी इवेंट के बारे में लिखते हुए। एट यूनिवर्सिटी लेवल आर्गुमेंटेटिव एसेज आर द मोस्ट कॉमन टाइप। यूनिवर्सिटी लेवल पे आर्गुमेंटेटिव एसेज जो हैं वो ज्यादातर लिखे जाते हैं, जबकि कॉलेज लेवल पर नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज जो है उनकी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एन आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे प्रेजेंट्स एन एक्सटेंडेड एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट। देखें, जो आर्गुमेंटेटिव एसे है वो बेस करता है क्लियर एविडेंस पे या फिर फैक्ट्स पे। इसमें आपने जो अपना स्टांस या जो क्लेम करते हैं आप, उसको आप एविडेंस प्रोवाइड करके प्रूव करते हैं। इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट आपने लिखी, अ क्लियरली डिफाइंड स्टांस ऑन योर टॉपिक, यानी वो जो टॉपिक है जो आर्गुमेंटेटिव एसे का है मेन टॉपिक, उसमें पहले आप अपना स्टांस शो करते हैं कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं। योर एम इज टू कन्विंस द रीडर ऑफ योर थीसिस यूजिंग एविडेंस सच एज कोटेशंस एंड एनालिसिस। अब इसमें आपने कोटेशंस, साइटेशंस, एलुजन, डिफरेंट जगहों से जो है रेफरेंस ढूंढ के उस चीज को आपने प्रूव करना होता है जो आपका स्टांस है। आर्गुमेंटेटिव एसेज टेस्ट योर एबिलिटी टू रिसर्च एंड प्रेजेंट योर ऑन पोजिशन इन अ टॉपिक। आर्गुमेंटेटिव एसे जो है किसी स्टूडेंट या किसी स्कॉलर की रिसर्च की एबिलिटी और अपनी जो पोजिशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आर्गुमेंटेटिव एसे जिस टॉपिक पर लिखा जा रहा होता है उसकी एबिलिटी को शो करता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसे एट कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पर आर्गुमेंटेटिव एसे जो है ये कॉमनली होते हैं। द एसे इज डिवाइडेड इनटू एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कोई भी एसे हो, खासतौर पर आर्गुमेंटेटिव एसे, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, तीन पोर्शन उसके होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है, जो फर्स्ट पोर्शन होता है, द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स योर टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट। उसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है और थीसिस स्टेटमेंट जो क्लेम होता है, जो राइटर लिख रहा होता है जिस चीज के बारे में, जिसको प्रूव करने के लिए, जिसके बारे में आर्गू करने के लिए लिख रहा होता है, वो थीसिस स्टेटमेंट होती है।
द बॉडी, उसके बाद होती है बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, सेकेंड बॉडी ऑफ द एसे, द बॉडी प्रेजेंट्स योर एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिर बॉडी, फिर यानी कि आप इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक और थीसिस स्टेटमेंट के बाद बॉडी में एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं, द कंक्लूजन समराइजेस योर आर्ग्यूमेंट्स एंड एम्फसाइजेस इट्स इंपॉर्टेंस। कंक्लूजन जो होता है आपके आर्ग्यूमेंट को समराइज करता है, एक तरह का जो एंड पे रिजल्ट निकलता है वो कंक्लूजन होता है। एक्सपोजिटरी एसेज, एंड एक्सपोजिटरी एसे प्रोवाइड्स अ क्लियर फोकस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में क्लियर और फोकस्ड एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड करता है वो एक्सपोजिटरी एसे है। फोकस एक्सप्लेनेशन मीन इस एसे में किसी चीज को एक्सप्लेन किया गया होता है और वो जो फोकस होता है, जो टॉपिक होता है वो उसी पे ही होता है, उसी की एक्सप्लेनेशन, हर तरह की एक्सप्लेनेशन, वो इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन उसमें कोई नहीं होती। इट डजंट रिक्वायर एन ओरिजिनल आर्गुमेंट, जस्ट अ बैलेंस्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ टॉपिक। इसमें हमने एक बैलेंस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड अपना व्यू पेश करना होता है, अपना जो व्यू पॉइंट होता है वो हमने फॉरवर्ड करना होता है, उसको राइट करना होता है रीडर को कन्विंस करने के लिए। एक्सपोजिटरी एसेज टेस्ट योर फैमिलियरिटी विद अ टॉपिक एंड योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन। एक्सपोजिटरी एसे में क्या एबिलिटी होती है जो कि राइटर की शो होती है, That is familiarity with the topic, कि आप इस टॉपिक से कितने ज्यादा फैमिलियर हैं, कितना ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, एंड योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन, फिर ऐसे में जो कुछ आप जानते हैं उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे ऑर्गेनाइज करके उसको रीडर तक कन्वे करते हैं, ये एबिलिटी टेस्ट होती है एक्सपोजिटरी ऐसे में राइटर की। They are commonly assigned at high school or an exam question at school level. Expository essays high school में exam level पर mostly students practice करते हैं, उनसे practice करवाई जाती है। Expository essay में जो उसके parts होते हैं, The introduction of an expository essay states your topic and provides some general background. जो इंट्रोडक्शन होता है एक्सपोजिटरी एसे का, उसमें एक तो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन होता है और उस टॉपिक के बारे में उसका एक जनरल सा बैकग्राउंड भी लिखा जाता है। उसके बाद बॉडी, द बॉडी प्रेजेंट्स द डिटेल्स, बॉडी में डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है टॉपिक से रिलेटेड। द कंक्लूजन समराइजेस द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, कंक्लूजन जो है वो रिजल्ट ही होता है एंड पे जो तमाम डिस्कशंस का, तमाम इंफॉर्मेशन और डिटेल्स का जो समरी होती है उसको कंक्लूजन कहते हैं। थर्ड वन इज नरेटिव एसे, अ नरेटिव एसे इज वन दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन नरेटिव एसे को एक स्टोरी की तरह लिखा जाता है, वो स्टोरी किसी जर्नी की भी हो सकती है, ट्रैवल की भी हो सकती है, किसी इवेंट की भी हो सकती है। This is usually a story about a personal experience you had. जो personal experience होता है writer का, वो अपना experience लिख रहा होता है, एक story की तरह narrate कर रहा होता है। But it may also be an imaginative exploration of something you have not experienced. लेकिन कुछ creative writing में imaginative writing भी होती है जो कि ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान ने, राइटर ने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बल्कि वो उसकी इमेजिनेशन होती है, वो उसकी सोच होती है जिसमें वो इमेजिन करके उस चीज को एक्सप्लोर करता है और फिर उसको नरेट करता है। नरेटिव एसेज टेस्ट योर एबिलिटी टू बिल्ड अप अ नरेटिव इन एन एंगेजिंग वेल स्ट्रक्चर्ड वे। आप नरेटिव यानी कि बयान करने का जो अंदाज है उसको किस तरह आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये नरेटिव ऐसे
ये एबिलिटी टेस्ट करता है एक राइटर की. दे आर मच मोर पर्सनल एंड क्रिएटिव देन अदर काइंड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. देखिए एकेडमिक राइटिंग जो है वो उसमें फोकस्ड होती है, वो पर्सनल नहीं होती, ऑब्जेक्टिव होती है. जबकि नरेटिव ऐसे जो है ये क्रिएटिव है और ये पर्सनल है. डेफिनेटली ये पर्सनल है क्योंकि ये इसमें इंसान जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है. अ नरेटिव ऐसे इज नॉट स्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. देखिए ये जो नरेटिव ऐसे है लाजमी नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में इसको डिवाइड किया जाए और फिर इसको लिखा जाए. इट शुड स्टिल बिगिन बाय सेटिंग अप द नरेटिव एंड फिनिश बाय एक्सप्रेसिंग द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और व्हाई इट मेड एन इंप्रेशन ऑन यू. बहरहाल इसको फिर भी यानी कि सेटिंग ऑफ द नरेटिव इस एक तरह का इंट्रोडक्शन ही होता है जिस चीज के बारे में हम लिख रहे होते हैं वो भी लिख के एंड फिनिश बाय एक्सप्रेसिंग द पॉइंट ऑफ द स्टोरी. और जो पूरी स्टोरी होती है उसको एक्सप्लेन करके हम ये फिनिश कर सकते हैं और एंड पे हम उसको, हमने उससे क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस उससे गेन किया और उस तमाम इवेंट का, उस पूरे एक्सपीरियंस का हमारे ऊपर इम्प्रेशन क्या था, ये करके हम एंड इसको कर सकते हैं. फोर्थ टाइप जो है ऐसे की वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे. अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड सेंसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग. सेंसरी डिस्क्रिप्शन, सेंसरी देखें ह्यूमन बीइंग की 5 सेंसेस हैं. उन सेंसेस को यूज करते हुए हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसको देखते हैं, उससे मुतालिक फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं, उसकी साउंड डिस्क्राइब करते हैं. अगर कोई ऐसी चीज़ है उसकी स्मेल भी हो सकती है या किसी चीज़ का टेस्ट भी हो सकता है. वो जो है सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करते हैं. लाइक नरेटिव ऐसे, देखिए नरेटिव ऐसे की तरह दे अलाउ यू टू बी मोर क्रिएटिव दैन मोर एकेडमिक राइटिंग. वो एकेडमिक राइटिंग से हट के हमें क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ले जाते हैं. बट दे आर मोर राइटली फोकस्ड देन नरेटिव ऐसे. लेकिन नरेटिव ऐसे से ज्यादा जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं दे आर मोर फोकस्ड. इसमें आपने रिलेटिव इंफॉर्मेशन देनी होती है. जबकि नरेटिव ऐसे में आप अपनी राइटिंग को किसी भी तरफ भी ले जा सकते हैं क्योंकि वो इमेजिनेटिव भी हो सकता है. यू माइट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्लेस और ऑब्जेक्ट rather than telling a whole story. Descriptive ऐसे में आपने किसी specific place या object को describe करना होता है जबकि आपने story पूरी इसमें नहीं लिखनी होती. इस तरह फिर वो narrative ऐसे जो है वो उस category में चला जाएगा. Next type is descriptive ऐसे. देखिए descriptive ऐसे हमने यही last type ही है, इसके बारे में कुछ और हम पढ़ते हैं. डिस्क्रिप्टिव एसेज टेस्ट योर एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज क्रिएटिवली. क्रिएटिवली आप अपनी लैंग्वेज का, अपनी राइटिंग स्किल्स का क्रिएटिवली यूज करते हैं. मेकिंग स्ट्राइकिंग वर्ड चॉइसेस टू कन्वे अ मेमोरेबल पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग. इसमें आप जो चीज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसका पूरा का पूरा एक इमेज आपने बनाना होता है जो कि रीडर पढ़ के उस पूरी एक इमेज उसके माइंड में बैठ जाए. आपने फिगरेटिव लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, सिमिली, मेटाफर, एक्सेट्रा. अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैन बी क्वाइट लूजली स्ट्रक्चर्ड दो इट शुड यूजली बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन एंड एंड बाय ड्राइंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ इट. देखिए यह लूजली स्ट्रक्चर्ड होता है. इसमें आप इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली आप देना होगा. उस ऑब्जेक्ट को या उस प्लेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने उसके बारे में जो कुछ जानते हैं आपने वो लिखना होगा. बाकी इसका कंक्लूजन जो है वो आप यही लिख सकते हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन वहां से मिली है बस वही जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उसका कंक्लूजन भी है. जो एक्सपोजिटरी एसेज हैं उसमें आप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते बल्कि उसमें आपने फैक्ट्स और फिगर्स लिखने होते हैं. So dear student, thank you for watching. See you in the next video.